सारण पुलिस के सार्थक कार्यवाही, नया बीएनएस कानून के तहत पहला सजा। रसूलपुर के तिहरा हत्याकांड में घटना के 48वें दिन आज दोनों अपराधी के माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार दिहल गई बा। 5 सितंबर के सजा सुनावल जाई। जी हां, रुआ के बता दी कि सारण जिला के रसूलपुर थाना अंतर्गत धाना डी गांव में विगत 17 जुलाई के ग्रामीण तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिंह के मकान के छत पर 3 लोग के कोनो धारदार हथियार से मार करके हत्या कर दे हलगी रहे। इस संबंध में रसूलपुर थाना कांड संख्या 133/24 दिनांक 17 जुलाई 2024 धारा 103, धारा 109, धारा 329, धारा 3 बीएनएस दर्ज करके पुलिस अधीक्षक सारण के निर्देशानुसार त्वरित अनुसंधान एवं कार्यवाही करत दुगो अभियुक्त सुधांशु कुमार उर्फ रोशन पिता संतोष राम, अंकित कुमार पिता सुनील राम, दोनों रसूलपुर थाना रसूलपुर जिला सारण के रहे वाला रहले, उनका के गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दले। साथ ही घटना से संबंधित अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान त्वरित गति से पूर्ण कर गई। 14 दिन में अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दहल गई है। माननीय न्यायालय सारण द्वारा 13 अगस्त 2024 के एकांड में स्पीडी ट्रायल प्रारंभ करत 22वें दिन आज दोनों आरोप पत्रित अभियुक्त सुधांशु कुमार और फरोशन अंकित कुमार के धारा 103, 109, 329 बीएनएस के तहत दोषी करार देहल गिल बा। माननीय न्यायालय द्वारा 5 सितंबर 2024 के दोपहर 12 बजे कांड में दोष सिद्ध अभियुक्त के सजा सुनावल जाई। रउआ के बता दी कि एक खबर के मैचबॉक्स काफी प्राथमिकता से दिखौले रहे और मैचबॉक्स के ग्राउंड रिपोर्टिंग रउआ देखले रहनी, तो ये बड़ा जौन बा ये कामयाबी मिलल बा और ये बड़ा त्वरित कार्यवाही जौन देखे के मिल रहा बा, जहां 48वें दिन ही दोषी करार दिहल गई और अगला 5 सितंबर के ए दोषियन के सजा सुनावल जाए। सारण जिले के रसूलपुर थाना अंतर्गत धानाडीह गांव में 17 जुलाई की रात 2 बजे डायल 112 से हमें सूचना मिली थी कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस अनुसंधान कराते हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली गई इसमें, और इसमें जो है त्वरित गति से अनुसंधान को सभी पहलुओं को जो भारत के नए कानून है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इन सभी के अनुदेशों का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने 14 दिनों के अंदर में इसमें स्पीडी चार्जशीट दाखिल करी थी। ये 31 जुलाई की बात थी जिसमें कि हम लोगों ने स्पीडी चार्जशीट इसमें जमा किया और माननीय न्यायालय से इसमें अनुरोध किया गया था कि स्पीडी ट्रायल चला करके इसमें सजा दी जाए, तो माननीय न्यायालय ने इसमें संज्ञान लेते हुए 13 अगस्त से इसमें स्पीडी ट्रायल चलाना शुरू किया था और आज 22वें दिन उन दोनों आरोपियों को दोषी सिद्ध किया है और ये पहली सजा है बीएनएस में जिसको हम लोग देख रहे हैं और इसमें परसों दिनांक 5 सितंबर को 12 बजे इसमें सजा सुनाई जाएगी। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक मामला है जिसमें कि सारण पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करके अनुसंधान पूर्ण करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया है। तब किनकी हत्या हुई थी और कितने लोग शामिल थे इसमें? 3 लोगों की हत्या हुई थी, तारकेश्वर प्रसाद सिंह और उनकी 2 नाबालिग पुत्रियों की हत्या जो है चाकू मार के कर दी गई थी। 2 आरोपी थे इसमें, सुधांशु कुमार उर्फ रोशन जो और अंकित कुमार, दोनों ही रसूलपुर के धानाडीह गांव के ही रहने वाले थे, आसपास के ही लोग थे। इसमें आप लोग को पहले भी बताया गया था प्रेम प्रसंग का मामला था, लड़का क्षुब्ध था कि लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया है और इसी बात से शुद्ध होकर के पूरी तैयारी कर करके नजदीक के हाट से उसने चाकू खरीदा और प्लान बना करके रात के 1:30-2 बजे के लगभग दीवाल के सहारे छत पर चढ़ करके उसने नृशंस हत्या का घटना कारित किया था। दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था। इसमें वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान पूर्ण किया गया, FSL का भी इसमें सहयोग लिया गया, DNA की रिपोर्ट मंगवाई गई, सीरोलॉजिकल रिपोर्ट भी हम लोगों ने जमा करी जो कि एक कंक्लूसिव प्रूफ हुआ जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने पुलिस के अनुसंधान को वैलिड ठहराते हुए जो इसमें पहलू लाए गए थे उसको मानते हुए इसमें दोषी आज सिद्ध किया है। आज 12 बजे उसको दोष सिद्ध किया गया है और परसों सजा के दिन मुकर्रर किया। ये बीएनएस का पहला मामला है जो पूरे देश में ऐसा कहा जा सकता है?
हमारे संज्ञान में अभी तक इसमें पूरे देश में शायद सजा नहीं हुई है, ये जांच का विषय है, आप लोग इसमें विशेष रूप से पूरे बिहार में इसका पहला मामला हो सकता है, ये आप लोग रिसर्च कर सकते हैं क्या मामला है। हमारे तरफ से तो यही कहा जा सकता है कि हम लोगों ने बहुत जल्दी से अनुसंधान पूर्ण करके नए कानून में पहली सजा यहाँ पे दी।